घर बैठे निशुल्क संगीत सीखने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करें। किसी भी राग में आलाप जब करते हैं ताल के साथ, तो उसके क्या क्या नियम हैं, कैसे ध्यान रखना चाहिए और कैसे ताल का उसके साथ तालमेल होता है, और कैसे आप आलाप लेते हैं, स्वयं उपज अंग से आलाप लेना है, और अगर एक आवर्तन में लेना है तो कितना, उसके क्या नियम है, और बोल आलाप होता है तो वो कैसे लेते हैं, तो आइए थोड़ी सी देर में देखते हैं पंडित जी से, पंडित नरेंद्र कुमार ब्यावट सर से जानते हैं कि आलाप राग में कैसे लेते हैं और क्या उसके नियम हैं। सही में अब तू आगे जाके एक आलाप लेगी, जो मर्जी हो, सुर में नहीं तो बोल में, बोल मतलब अक्षरों को लेकर। अच्छा, एक आवर्तन के अंदर अंदर आ जाए आलाप भी, आलाप भी लंबा नहीं थी, एक आवर्तन के अंदर ही आना चाहिए। अपने पास फिक्स टाइम है, एक आवर्तन ही है, और मैं कहता हूँ कि एक ही आवर्तन में तुम्हारा आलाप आ जाना चाहिए। ऐसे में तुमको कुछ बातों का ध्यान रखना है। पहली बात, शब्दों का, कौन से शब्दों का चयन करना है। दूसरी बात, लाइन है तो लाइन को कितना बड़ा बोलना है। उस लाइन में से जरूरी नहीं कि तुम पूरी लाइन बोलो, तू ही आधार बोलना ही बोलना, केवल तू ही इतना भी बोल सकते हो, और केवल आधार इतना भी बोल सकते हो। जरूरी नहीं है कि अगर अपने पास तू ही आधार लिखा हुआ है तो पहले तू ही आएगा फिर आधार आएगा, ऐसा नहीं है। उस तू ही को छोड़ सकते हो, आधार को बोल सकते हो केवल, मतलब अपने को चयन करना है, आधार बोल सकते हो, ऐसा भी कुछ नहीं है। तुम दूसरी लाइन भी इससे भी बोल सकते हो, सकल उसको भी ला सकते हो, स्थाई में कोई सभी, ठीक है। ये तुम डिसाइड करो कि तुमको क्या बोलना है, ठीक है। ये तुरंत होना चाहिए, जल्दी से मैंने कह दिया कि ये आना है तो फिर तुम उसको तुरंत डिसाइड कर लोगे सकल। अब इतने समय टाइम पूरा हो गया है, सही, मैंने जो टाइम दिया वो इतने समय पूरा हो जाता सकल तू, हाँ। इतना भी बोल सकते हो, तू ही आधा, है ना। ये क्या बात है कि आपकी इमेजिनेशन कैसी जाती है उस पर निर्भर करता है, तो इसको स्ट्रॉन्ग बनाना पड़ेगा। ये वही अभ्यास अपन कर रहे हैं बैठ के। इसका मतलब क्या हुआ, मैं तुमको जो गवा रहा हूँ एक आवर्तन में बोलो, अगर तुम ऐसे रोज रोज करोगे तो ये जो उठपटांग गा रहे हो ना, इसमें एक शेप आ जाएगा। हाँ, इसमें एक शेप, अभी तो क्या बन रहा है, कुछ है ही नहीं। तू ही क्या है, तू क्या तू ही तू, बट क्या है एक आवर्तन के कितने आलाप तुम एट प्रेजेंट बना सकते हो। एक आवर्तन के छोटे छोटे होंगे, तू ही ये हो गया, तू ही ये हो गया, है ना। जरूरी नहीं है उसको तू ही आधार बोलोगे और पूरा पूरा आएगा, और जरूरी भी नहीं है कि तुम यहीं से उठाओ या यहीं से उठाओ। तू ही आधार, तू ही आधार, तू ही आधार, तू ही आधार, ये चलता रहे, आप कहीं भी बोल सकते हो सकल। भाई फंस गए यहाँ पर क्या हुआ, फंस गए, टाइम बचा नहीं, एडजस्ट करना पड़ेगा। ऐसा तुम कितना कर सकते हो ये तुम देखोगे, और कौन कौन से शब्दों का चयन तुम लोगे ये थोड़ा दिमाग लगा के बैठोगे।